टुडे आई विल टीच यू हिंदी वंस अगेन। एक बार फिर से मैं आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आ रही हूँ। तो शुरू करते हैं एंड टुडे जो टॉपिक इज अ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ। हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी तक हम न तक के वर्णों को पढ़ चुके हैं। न तक वर्णों के न जैसे न तक के वर्ण जितने हैं उनके साथ हम अ की मात्रा लगाकर शब्द बना चुके हैं। आगे हम प से शुरू करेंगे और दो वर्ण को हमने चूज किया है, दो वर्ण के शब्द ले रहे हैं। दो वर्ण में से एक वर्ण के साथ हम अ की मात्रा लगाकर शब्द बना रहे हैं, ठीक है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम दो वर्ण के शब्द लेंगे जिनमें दोनों वर्णों के साथ अ की मात्रा लगाकर शब्दों को बनाएंगे। फिलहाल तो आज हम आपको एक वर्ण के साथ मात्रा लगाएंगे और एक में नहीं लगाएंगे, ऐसे शब्द बनाना सिखाएंगे। क्रम से सिखा रहे हैं ताकि आपका कुछ भी छूट ना जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा है फर्स्ट जो वर्ड है, पहला हमारा अक्षर है प, न के बाद आता है प। तो प के साथ हम शुरू करेंगे, प धन आ की मात्रा और उसके साथ हम जोड़ रहे हैं, फिर से प जोड़ रहे हैं, इजी होगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिए, तो प के साथ हम क्या जोड़ेंगे, अ की मात्रा। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे ताकि आपकी चीजें क्लियर होती चली जाए, ठीक है। रीडिंग राइटिंग आपका दोनों होता रहे। तो चलिए पहला है हमारा प, प के साथ अ की मात्रा जोड़ रहे हैं और उसके बाद हम प फिर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को एक साथ लिख देना है, ठीक है। जो यहाँ पे जोड़ का निशान लगा है इसका मतलब हमें इनको जोड़ना है, एक साथ कर देना है। जैसे आप प्लस करते हो, 1+1=2 हो जाता है ना, 1+3=4 हो जाता है। तो उसी तरह से प में आ जोड़ के फिर प जोड़ के एक शब्द बन जाएगा हमारा, वो क्या बनता चलिए देखते हैं। तो हमारा शब्द बन रहा है, पहला क्या है प, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प और उसके बाद है हमारा अ की मात्रा उसके बाद है प। तो ये हो गया हमारा पाप, ठीक है। जैसे आप घर में कभी छीटी मारते होंगे, मारते हैं हमको पता है, मारते होंगे 100% मारते होंगे, चींटी मार देते होंगे, तितली पकड़ लेते होंगे, है ना। तो चींटी तो ज्यादा चूटा चूटी दिखते हैं, चूटा है चींटी, चीटा चूटी जो भी दिखता है तो उसको आप पहले मारते हो। मकड़ा दिख गया तो उसको भी पहले निपटा दोगे, मकड़ी वगैरह, है ना। इंसेक्ट अगर कोई छोटा दिख गया तो उसको निपटा देते हो अच्छे से, ये नहीं सोचते हो कि वो भी उसको भी दर्द होता होगा, उसको नहीं दर्द होता है, आपको तो यही लगता है वो बस फाइबर का बना है। तो पहले आप उसको निपटाते हो, तो जब आप किसी को मारते हो तो क्या कहते हो, ऐसे मत कर वो पाप लगेगा, है ना। तो वही है ये पाप, ठीक है। अगर इसमें हम ना जोड़ देते तो हो जाता पान। देखिए प में हम आ की मात्रा जोड़ रहे हैं और न जोड़ रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पान। पा पापे आ की मात्रा न, क्या हुआ पान, ठीक है। तो ये तो हमने दो शब्द आपको बता दिए पापे आ की मात्रा जोड़कर। अगला है हमारा फ, फ के साथ हम जोड़ रहे हैं आ की मात्रा और उसके साथ हम जोड़ेंगे स। बहुत सारे शब्द बनते हैं, कुछ भी आप जोड़ लीजिए। तो फ के साथ हम जोड़ते हैं आ की मात्रा, देखेंगे अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको एक साथ लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे फा, फ पे आ की मात्रा फा स, हास हास, ठीक है, फा आस फांस, ठीक, क्लियर। अगला देखते हैं ब, ब पे हम जोड़ रहे हैं आ की मात्रा और उसके साथ हम जोड़ रहे हैं ट इज इक्वल टू। चलिए इसको एक साथ ऐड करते हैं, एक साथ लिखते हैं चीजों को। पहले हम लिखेंगे ब और ब के बाद हमें क्या जोड़ना है, अ की मात्रा, बा पे आ की मात्रा बा और उसके बाद हो गया ट, ठीक। पहले हमने ये ब लिखा, फिर आ की मात्रा, फिर ट, बाट, एक साथ लिख दिया तो हो गया बाट, बाट, ठीक। बाल भी हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ब, हाँ सही आप बता रहे हो तो मुझे पता चल रहा है, ब, ब पे आ की मात्रा ल, ठीक। अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बा, बा पे आ की मात्रा ल, बाल, ठीक। तो और भी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीजों को, इन्हीं शब्दों
ल, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भा लिखेंगे, ठीक, भा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये मात्रा लगा देंगे, ये देखिए ऐसे बिल्कुल सीधा आपको लगाना है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्या है, ल। अब उसके बाद हम ल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा भाल, भा पे आके मात्रा ल, भाल। ओके, नेक्स्ट है हमारा म, भाट भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। भ के बाद है मां, मां, मां के साथ हम जोड़ रहे हैं आ की मात्रा, और उसके बाद धन ता, ठीक। ये देखिए मां पे आ की मात्रा ता, क्या हो जाएगा, म लिखेंगे पहले हम, उसके बाद हम लिखेंगे आ की मात्रा ये, और उसके बाद ता, क्या हो गया, मात। क्या हुआ, मात, किसी को हरा देना, मात दे दिया मैंने इसको, है ना। चलिए मात हो गया, इसके बाद है य, य पे हम क्या जोड़ रहे हैं, य के साथ हम जोड़ रहे हैं आ की मात्रा, और उसके बाद हम लिख रहे हैं र। क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे या, और उसके बाद आ की मात्रा र, यार, दोस्त, होते ना आपके कितने यार दोस्त हैं, है ना। तो ये हमने य तक कंप्लीट कर लिया, पहले हमने लिखा या, फिर आ की मात्रा और रा, हो गया हमारा यार, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं य के बाद कुछ और भी है, शब्द बनाते हैं, य के बाद है हमारा र। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, र आपकी मात्रा म, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, र आपकी मात्रा म, चलिए लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे र, उसके बाद हम लिखेंगे आपकी मात्रा, और उसके बाद म, ये तो हमारे जीवन का आधार है, क्या हो जाएगा, राम, क्या हो जाएगा, राम, राम ईश्वर, हमारे भगवान का नाम है राम। रामचंद्र जी के बारे में आप सुने हैं, दीपावली में मैंने आपको इनकी स्टोरी भी बताई थी कि ये दीपावली के दिन वापस आए थे रामचंद्र जी, और अभी अयोध्या में बहुत शोर है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो आप लोग नॉर्मली जान ही रहे होंगे राम जी के बारे में, तो उन्हीं का नाम है राम। ओके, नेक्स्ट है हमारा ल, क्या है, ल में हम कौन सा जोड़ेंगे, मात्रा आपकी मात्रा, और उसके बाद उसमें हम जोड़ रहे हैं फिर से ल। चलिए देखेंगे क्या बन रहा है, ल, ल पे आपकी मात्रा, ल, पहले हमने लिखा ल, ल पे आपकी मात्रा, फिर ल, हो गया लाल। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट। ल से और भी वर्ड बना दो, और भी शब्द, चलिए बनाते हैं, बहुत।
तक ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे छोटा सा इन सारी चीजों से शब्द बनाना सिखाएंगे। फिलहाल तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आप कर रहे होंगे, अपनी कॉपी में इसको नोट कर रहे होंगे, नोट करते रहिएगा और एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेते हैं फिर से। और आप मेरे साथ साथ यहाँ पे रीड करेंगे। प कॉपी अ की मात्रा पा प पाप, ठीक है। अगला पा पापी आ की मात्रा पा न पान, ठीक। अगला फ फापी आ की मात्रा फा स फास। ब बापी आ की मात्रा बा ट बाट। अगला बापी आ की मात्रा बा ब बापी आ की मात्रा बा ल बाल। ओके नेक्स्ट भ भापी आ की मात्रा भा ल भाल। क्लियर। अगला म मापी आ की मात्रा मा त मात। अगला य या पे आ की मात्रा या र यार। क्लियर। अगला र रा पे आ की मात्रा रा म राम। अगला देखेंगे, अगर वीडियो नहीं दिख रही तो पार्ट को जूम करिए वीडियो के। ओके ल ल पे अ की मात्रा ला ल लाल। अगला ल ला पे आ की मात्रा ला ट लाट, है ना। व व पे आ की मात्रा वा क वाक। अगला देखिए व व पे आ की मात्रा वा ट वाट। ये लाट है और ये वाट है। क्लियर। चलिए एक बार फिर से रीड करेंगे हम। पापी आ की मात्रा पा प पाप। पापी आ की मात्रा पा न पान। फापी आ की मात्रा फा स फास। बापी आ की मात्रा बा ट बाट। बापी आ की मात्रा बा ल बाल। अगला भा भापी आ की मात्रा भा ल भाल। अगला देखेंगे म मापी आ की मात्रा मा त मात। अगला देखिए य या पे आ की मात्रा या र यार। अगला देखिए र रा पे आ की मात्रा रा म राम। अगला देखिए ल ला पे आ की मात्रा ला ल लाल। ल ला पे आ की मात्रा ला ट लाट। ध्यान से सुनिए उच्चारण में कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है वर्णों के, सॉरी मात्रा के जुड़ने के बाद। व व पे आ की मात्रा वा क वाक। अगला देखेंगे व व पे आ की मात्रा वा ट वाट। क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है इसको लर्न करेंगे और कॉपी में इसको एज यूजुअल जैसे मैंने लिखाया है अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और फोटो क्लिक करके मुझको सेंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।